मध्य प्रदेश के प्रतिभावान शूटरों के सपनों को नए पंख मिल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार 6 दिसंबर को भोपाल के गोरेगांव खेल ग्राम में अंतरराष्ट्रीय मानक और सुविधाओं वाली 10 और 25 मीटर की शूटिंग रेंज और प्रशासकीय भवन का लोकार्पण किया। करीब 22 करोड़ की लागत वाली नई रेंज पद्म भूषण से सम्मानित अभिनव बिंद्रा के नाम पर स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में नवनिर्मित रेंज के लोकार्पण समारोह में प्रदेश की खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, अभिनव बिंद्रा और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रनिंदर सिंह भी मौजूद रहे। बिंद्रा ने प्रदेश की शूटर प्रतिभाओं और उनके प्रशिक्षकों के तमाम प्रश्नों के जवाब तथा मेडल अर्जित करने संबंधी तैयारियों को लेकर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बिंद्रा ने प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मुक्त कंठ से सराहना की। सब कुछ लीडरशिप पर डिपेंड करता है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है, सपोर्ट किया है अपने उनके खेल मंत्री को, सपोर्ट किया, उनकी जो विजन उन्होंने दिखाई है कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और अकेडमीज डेवलप हों, तो फुल मार्क्स टू हिम, फुल मार्क्स टू हिज गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में पिस्टल शूटिंग, शॉटगन और राइफल शूटिंग की अलग अलग कैटेगरी में 100 के लगभग शूटर्स प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। ओलंपिक खेल चुके मनशेर सिंह समेत कुल 7 आला दर्जे के प्रशिक्षक शूटर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं। भोपाल निवासी साधारण परिवार की बेहद प्रतिभावान शूटर चिंकी यादव ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में मेडल जीत कर मध्य प्रदेश और भारत का नाम रोशन किया है। शिवराज मामा जी का ये सपना है कि उनकी बिटिया ओलंपिक में मेडल लेके आए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको मेडल ला के दूँ और उनका सपना पूरा करूँ और साथ में पूरे इंडिया का सपना पूरा करूँ। म्यूनिक वर्ल्ड कप और बको अजरबैजान में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इंदौर निवासी सुरभि पाठक भी नई रेंज पाकर बेहद गदगद है। वो अब दुगने उत्साह के साथ तैयारियों में जुटी है। धार जिले की मनावर तहसील के छोटे से गांव बालीराम निवासी नवदीप सिंह राठौर 14 वर्ष की आयु से इस अकादमी में प्रशिक्षण पाकर वर्ल्ड कप और यूथ ओलंपिक में मेडल हासिल कर चुके हैं। 2007 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, तब मैं 14 साल का था, आज मैं 24 साल का हूँ। पिछले 10 साल में यहाँ पे इतने मेजर चेंजेस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे शूटर्स को बोर्डिंग और डे बोर्डिंग की सुविधा भी प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। इन्हें 2 सत्रों में हर दिन 7 घंटे प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सदैव कहते हैं, प्रदेश के खिलाड़ियों में प्रतिभा और क्षमता है, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो ये खिलाड़ी चमत्कार कर सकते हैं। 2020 का जो ओलंपिक है उसमें अपन को मेडल जीत के लाना है, लगन अगर है, लक्ष्य पे अगर ध्यान है, दिल में जोश जुनून और जज्बा है, जहां चाह होती वहां राह तो निकलनी पड़ता है, राह निकालना, और राह निकालने में मामा भी तुम्हारे साथ है। नई शूटिंग रेंज के लोकार्पण के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों में मेडल हासिल करने को बेकरार, मध्य प्रदेश के प्रतिभावान शूटिंग खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान मिल गई है। मामा जी को मैं बस धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने हम पे इतना भरोसा दिखाया, हमें इतना प्यार दिया, ये रेंज, ये सारी फैसिलिटी दी और हमारे सपनों को उड़ान भरने के लिए ये पंक्ति है, उसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी।